मैं ते दुख जामा पोगी आग लाण करके पल पल सड़ा मैं इंसान करके पल पल सड़ा मैं इंसान करके मल्चिंग विधि राही ऐतक ट्रायल किया एक एकड़ चो साढ़े पिंड काफ़ी किसानों ने इस विधि राही जी कणक की बिजाई की है। ट्रायल तौर पर किसी ने 2 किले किसी ने किला किसी ने 3 किले तो दूसरे किसानों ने उत्थे खेत जाके उस विधि में वेख्या तो उन्होंने सलाया भी ये चंगी है विधि असी भी इनू अपनावे। खेती विरासत मिशन ने सानू प्रेरित किया आह जी कणक मल्चिंग विधि राही बीजी आ 2.5 किले बीजी आ तो इन कोई अग नहीं लाई असी भी ऐतकी सानू बहुत वधिया लग्या बीज के ये तो गांह तो भी असं दुबान वधावे। गुरा सिंह जी ये जो है भी पहली गल तो बिजाई का खर्चा बहुत घट मेरा ख्याल है भी सारा 4 लीटर डीजल ट्रैक्टर ने खाधा 1 एकड़ के। दूजी गल ए भी कणक का जम बहुत सोहना होंगे। तीसरा फायदा यदा यह है भी जो नदीन नहीं होंगे वायु के प्रदूषण नहीं फैलता जो अग लावे तो वह भी कि प्रदूषण फैलता। स्टबल बर्निंग के मैनेजमेंट वास्ते असी एक मल्चिंग वाली जी विधि कणक बीजी से इस बारी उन्होंने खेती विरासत मिशन ने सपोर्ट की है। साड़ी खेती विरासत मिशन ने जो कणक बिजाई वाली मशीन लिया है मल्चिंग विधि राही बीजने वास्ते तो उन्होंने तो असी मशीन मंगवा के 4 किल्या के कणक मल्चिंग विधि राही बिजवाई है। उद्दे सिर्फ साडा खर्चा 1500 रुपए उक्का पुक्का किले मगर खर्चा आया तो उन्होंने ही ड्राइवर उन्होंने ही मशीन उन्होंने ही ट्रैक्टर तो असी सिर्फ बीज तो खाद लिया के ते पासे होके खड़ गए उन्होंने यदी बिजाई करती होर असी ये कुछ नहीं किया। तो साढ़े पिंड का यही विचार है कि इस विधि आपां अगले साल वास्ते अपना चाहिए। सारे का यही विचार है कि ये विधि कामयाब है। ONGC फाउंडेशन का समूह किसान जथेबंदियों वालों किसानों वालों धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू खेती विरासत मिशन सहयोग दे के पराली लोडर मल्चिंग मशीन और गठा बनने वाली मशीन साड़ी हेल्प की है। असी इस मशीन दे नाल कोई 300 से 400 एकड़ जिहड़ी आईती कणक है वो नाड़ असी झोने का साड़ नहीं दिता तो बहुत वधिया इहदे नाल बिजाई की है। साडे किसान भी सारे खुश है तो साडा खेती विरासत मिशन धन्यवाद फिर करता है ONGC फाउंडेशन का जिन्होंने सानू ये संद मुहैया कराया साड़ी हेल्प की है।